ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर? इन अपोजिट ऑर्डर, जस्ट वेट, जस्ट हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू. पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद कॉपी करिएगा, ठीक है? रुकिए, लेट्स से अगर दो वेक्टर को तुमको ऐड करना है, लुक, आई एम टेकिंग एग्जांपल, जैसे सपोज दीज आर द टू वेक्टर्स, तुम दो वेक्टर ऐड करना चाहते हो. दिस इज वन ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर, वन वेक्टर इज हियर और एक दूसरा वेक्टर इस तरफ है. दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तुमको ऐड करना है तो तुमको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तुमको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. तो ये दोनों साइड ट्राइंगल के दो साइड बना लेंगे. सीयर, फिर से आपको याद है लास्ट लेक्चर मैंने बताया था शिफ्टिंग इज अलाउड, शिफ्टिंग अलाउड होता है, मतलब वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, तो शिफ्टिंग अलाउड होता है. तो मैंने क्या किया, वेक्टर ए को ही आगे शिफ्ट कर दिया, जैसे ये वेक्टर ए को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर ए, ओके. अब वेक्टर बी शिफ्ट करके लाएंगे, वेक्टर बी पैरेलल होना चाहिए ना, बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल मूव नहीं होना, पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल. वेक्टर बी को लाओ पैरेलल और ए के आगे से लगा दो, ए के हेड पे लगा दो. तो वेक्टर बी को लेके आओ और ए के हेड पे लगा देते हैं उसको. तो ये मैंने बी को लगा दिया, तो इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर, मतलब वन बाय वन, मतलब जहां पे ए एंड हो रहा है वहां से बी स्टार्ट हो रहा है, सेम ऑर्डर, मतलब वन बाय वन. तो आपने क्या किया, दो वेक्टर को ऐड करना था, तो क्या किया, पहले ए को लेके आए, ठीक है, लगा दिया ए को, फिर बी को लेके आए बिल्कुल पैरेलल, और जहां पे ए एंड हो रहा था वहां पे बी को लगा दिया. अब तुमको ये दोनों ऐड करने, तो ये दोनों ट्राइंगल का दो साइड बना रहे हैं, तो जो उनका आंसर होगा, आंसर मतलब एडिशन, वो ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा, वो ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा, लेकिन 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 वो अपोजिट ऑर्डर में होगा. ये कैसे जा रहे हैं, वन बाय वन, ये जा रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज, तो वो क्लॉक वाइज आएगा. जैसी ये हो जाएगा उसका आंसर, दिस इज आंसर, इसको बोलते हैं रिजल्ट, रिजल्ट मतलब आंसर, ए प्लस बी, ए प्लस बी. इसका मतलब देखो, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब तुमने क्या करना है, ए और बी को ऐड करना था, तो ए और बी को सेम ऑर्डर में लगा दो वन बाय वन, लेकिन जो आंसर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा. अपोजिट ऑर्डर मतलब अगर ये इस तरह से जा रहा है तो आंसर जो है वो दूसरी तरफ से आ रहा है और हेड से हेड टकरा रहा है. सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर, ये ऐसे भी कुछ इसमें टीचर बोलते हैं, आंसर जो होगा उसको आंसर होगा फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक. ये ऐसे बोल सकते हैं सेम ऑर्डर, ए ओ बी सेम ऑर्डर में, और ए प्लस बी रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट ऑर्डर में, देखो हेड से हेड टकरा रहे हैं, अपोजिट है दोनों. तो ये अगर एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है तो वो क्लॉक वाइज आएगा और हिट करेगा, ठीक है. अच्छा, अब स्टैंड में दिमाग में आता है कि क्या मैं सिर्फ ए प्लस बी ऐड कर सकता हूँ, बी प्लस ए ऐड करूं, देन कोई बात नहीं, पहले फिर बी को लाओ, देन अगर मुझे बी प्लस ए करना हो तो लुकिए, तो ब्रिंग बी फर्स्ट, पहले मैं बी को लेके आता हूँ, तो बी को लेके आएंगे तो लुकिए, ब्रिंग बी फर्स्ट, तो बी को ले आता हूँ, और जस्ट वेट, टेक मिनट, हाँ बी को ले आते हैं पहले, दिस इज बी, ठीक है, ये बी हो गया, लेट से, ठीक है ये भी हो गया. अब बी के आगे तुम ए लगा दो, फिर ए को शिफ्ट करके लगा दो, बी के आगे से हम ए लगा देंगे, जैसे यह लुक हियर लाइक दिस वे, ये लगा दिया. अब ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर में है, दिस इज बी एंड दिस इज ए, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, क्योंकि जहां पे बी खत्म हो रहा है वहां से ए क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है. तो जो आंसर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. तो ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस ए. तुमने देखा ये देखो रेड लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, चाहे तुम ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, आंसर सेम आता है. आर यू गेटिंग, इसका मतलब वेदर यू आर डूइंग ए प्लस बी और बी प्लस ए, आंसर देखो सेम आ रहा है, दोनों रेड लाइन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और सेम लेंथ की आ रही है, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट.
आर स्टैंड फॉर रिजल्टेंट बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट। अच्छा चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो फर्क नहीं पड़ता, जस्ट कैसे फर्क नहीं पड़ेगा जैसे मैं समझा रहा हूँ, वापस समझाता हूँ ठीक है। अच्छा मैं दूसरी तरीके समझाता हूँ, जैसी सपोज मैं पहले ए लेके आया, वेट पहले मैं ए को शिफ्ट करके लाया, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, ये ए है ठीक है, और आपको मालूम है मैं ए को पैरेलल मूव कर सकता हूँ, पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड ठीक है। उसके बाद मैं ये बी को लेके आया, हियर इट इज बी ठीक है ओके, ए को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो ए, ए को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, अगेन दिस इज बी, शिफ्टिंग अलाउड है। तो देखो एक सेकेंड थोड़ा सा शायद, हाँ ठीक है, तो दिस इज अगर मैं इस लोअर ले रहा हूं ए एंड बी सेम ऑर्डर में, तो जो आंसर होगा उनका अपोजिट ऑर्डर में होगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट आंसर, दैट इज आंसर, आंसर ए प्लस बी। और अगर तुम शिफ्ट करके बी को इधर ला सकते हो तो ठीक है, मैंने बी को इधर लिया शिफ्ट करके, फिर ए को आप इधर कर सकते हैं, ए इधर शिफ्ट करके ऊपर चला गया ये। तो देखो चाहे तुम ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो आंसर सेम आता है, वेदर यू आर डूइंग ए प्लस बी और डी प्लस ए आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा। तो ये मैटर नहीं करता तुम बी प्लस ए करो या ए प्लस बी करो, आंसर सेम आता है, रिमेंबर आंसर विल बी सेम। तो अगर लोअर ट्रायंगल ले रहे हो तो ए ओ बी सेम ऑर्डर में, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, बी प्लस ए सेम ऑर्डर में, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, तो ठीक है, तो ए प्लस बी सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर। तो आर यू गेटिंग लॉ ऑफ ट्रायंगल समझ में आया? तो दो वेक्टर जिनको ऐड करना है सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब वन बाय वन एक के बाद एक लगा दो ठीक है, वो दोनों ट्राइंगल के दो साइड बना लेंगे, और जो आंसर होगा वो ट्राइंगल का थर्ड साइड बनाएगा, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं रहेगा, वो अपोजिट ऑर्डर में रहेगा। इज इट क्लियर? ट्राइंगल समझ में आया सबको? सर हाँ बोलो। यस सर, फिर से समझाने मिला, लेट जॉइन हुआ। अच्छा बाकी लोग तो कॉपी कर लो, मैं ट्राइंगल लॉ समझा रहा हूँ। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, तुम्हें दो वेक्टर को ऐड करना होता है, दो वेक्टर को ऐड करना होता है, तो उसके लिए तुम्हें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ठीक है। और कल मैंने बताया था, कल मैंने वेक्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह जाके शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन पैरेलल ठीक है। अच्छा तो आपने क्या किया, वेक्टर ए और बी को देखो मुझे ऐड करना था, तो मैंने क्या किया, पहले मैं ए को लेके आया, शिफ्टिंग अलाउड है, ए को शिफ्ट करके इधर ले आया, फिर मैं बी को शिफ्ट करके लाया बिल्कुल पैरेलल, और जहां पे ए एंड हुआ था मैंने वहां पे बी लगा दिया, तो जहां पे ए एंड हो रहा है वहां से बी स्टार्ट हो रहा है, तो शिफ्ट करके इधर लगा दिया। अब ये दोनों ट्राइंगल के दो साइड बना रहे हैं ठीक है, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब वन बाय वन। देखो एक एरो है उसके आगे दूसरा एरो स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे तीसरा एरो, इसको बोलेंगे सेम ऑर्डर, ये सब सेम ऑर्डर है वन बाय वन ठीक है, तो सेम ऑर्डर में लगा देते हैं ए और बी को, तो जो आंसर होता है वो ट्राइंगल का थर्ड साइड बनाता है। आंसर नहीं बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, वर्ड यूज करते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यूज करते हैं, तो रिजल्टेंट जो है वो ट्राइंगल का, हाँ आंसर जो है वो ट्राइंगल का थर्ड साइड बना लेता है लेकिन अपोजिट ऑर्डर में बना लेता है। इज इट क्लियर? तो आंसर विल फॉर्म द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल बट इन अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर, मतलब अगर ये इस तरह से जा रहा है, लुकिए ये इस तरह से जा रहा है तो वो उधर से आएगा और हिट करेगा, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज आएगा। फिर मैंने बताया कि तुम चाहे बी प्लस ए करो चाहे ए प्लस बी करो फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो पहले बी को ला सकते हो फिर ए को लगा सकते हो, उसके आगे जहां पे बी एंड हो रहा है वहां से ए स्टार्ट हो रहा है, तो ए बी और ए सेम ऑर्डर है तो आंसर अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। समझा ट्राइंगल लॉ? ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो दो वेक्टर ऐड करने होते हैं ना उनको सेम ऑर्डर में लगा दो, और जो आंसर होता है वो ट्राइंगल का थर्ड साइड होता है लेकिन अपोजिट ऑर्डर में होता है।
स्क्रॉल डाउन, हाँ जस्ट अ मिनट, सर ऊपर का नहीं लिखा है, एक मिनट लिख लो बेटा, वही मैं कह रहा था लिख लीजिए आप लोग ट्रायंगल। स्क्रॉल डाउन सर, सर थोड़ा ऊपर ही है ना, स्क्रॉल डाउन सर, और इसके बच्चे आते नहीं हैं। नेक्स्ट सेटिंग इज आई थिंक ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। सर आपका आवाज कट रहा है, मेरा आवाज कट रहा है क्या, अभी आया क्या, एक सेकंड रुको, पहले मैं आवाज अपना ठीक करता हूँ, पहले आवाज मेरा आ रहा है कि नहीं, कट रहा है सर, कट रहा है सर, सेकंड सर फिर से बोल के देखो एक बार। हाँ मेरा आवाज आ रहा है क्या प्रॉपर आप लोगों को? अच्छा रुको, मैंने नेट चेंज किया, रुक जाओ, जस्ट वेट, अभी आ रही है, अभी नेट चेंज किया मैंने, ठीक है ओके चलो। नाउ सी,
जैसे मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूं कि लुकिए ओके दिस वन वन ओके दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, ठीक है, ये ए है और ये बी है और सी है, एरो सबका दिख रहा है ना, एरो इज हियर, एरो इज हियर एंड, इसमें कौन ऐड हो रहा है, कौन आंसर है? सर सर ए प्लस बी इक्वल्स टू सी इज इक्वल टू सी, हाँ क्योंकि ए और बी सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर समझते हो ना, वन बाय वन, यहाँ पे ए एंड हो रहा है वहां से बी स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में होगा, तो ये ऐड हो रहे हैं बेसिकली, और सी उसका आंसर हो जाएगा, सी इज द आंसर। अब समझ में आया ना, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, तो देखो ए और बी सेम ऑर्डर में, तो आप देख के ट्राइंगल समझ जाया करो, जब आगे पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, तो आप देखेंगे ट्राइंगल, अच्छा जो सेम ऑर्डर में वो ऐड हो रहा है, जो थर्ड वन होगा उसका आंसर होगा, इज इट क्लियर? ओके, मतलब एरो पे जो एंड होता है वो पैरेलल, हाँ जो वन बाय वन होता है वो जो एक के बाद एक लगा है वो ऐड हो रहा है, और जो हेड से हेड जो टकरा रहा है अपोजिट वो उसका आंसर, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन पॉलीगॉन लॉ, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ क्या है, जैसे अगर एक से ज्यादा हो, मतलब दो तीन चार पांच हो, ट्राइंगल लॉ में तो एक लिमिटेशन है ना, तुम एट अ टाइम, एट अ टाइम यू कैन ऐड ओनली टू वेक्टर, दो से अधिक तो ऐड नहीं कर सकते ना ट्राइंगल में, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में दो को तुम ऐड करोगे थर्ड वन तो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा पॉलीगॉन लॉ में क्या है, यू कैन ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, तो इसमें क्या है, लुक एट स्टेटमेंट, पहले लिख लो स्टेटमेंट, फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, एनी नंबर कितने भी ऐड कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप मतलब एक ही तरीके से होना है, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, सेम टाइप, ग्राफिकली, ग्राफिकली मतलब ड्रॉइंग, रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब वन बाय वन, इन सेम ऑर्डर एक के बाद एक लगा दो, जैसे उसको किया था वैसे, सेम ऑर्डर, ग्राफिक रिप्रेजेंटिंग साइड्स ऑफ, साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीगॉन, एक वर्ड ऐड करो यहां पे, इनकम्प्लीट पॉलीगॉन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज, देन देयर रिजल्टेंट is graphically represented by, graphically represented by remaining side of polygon, remaining बताते हैं भी इसका मतलब क्या हुआ, remaining side of polygon in opposite order, मतलब पॉलीगॉन पहले तो इनकम्प्लीट होना चाहिए, उसको कंप्लीट कौन करेगा, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ साइड है उसको कौन कंप्लीट करेगा, उसका आंसर मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये देखो रहा, अगर सपोज अगर मैं बहुत ज्यादा वेक्टर्स ले लूं, लेट्स से अगर मैं ये ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज ए, जैसे दिस इज ए एंड हियर इज बी, ये बी है, ठीक है, और एक ले लेते हैं, दिस वन इज सी, चलेगा एक वेक्टर और ले लेते हैं, लुकिए, ठीक है मुझे ये वेक्टर ऐड करने, ये ए है, दिस इज बी, सी और डी, तुमको ऐड करने है, चारों को एक के बाद एक लगा दो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं पहले बता सकता हूँ, कोई बच्चा ए बी सी डी लाइन से लगा सकता है, कोई बच्चा चाहे तो पहले डी लगा दे, फिर बी लगा दे, फिर सी लगा दे, फिर ए लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, ठीक है? अच्छा तो क्या करो, सबको सेम ऑर्डर में लगाते चले जाओ, वन बाय वन सेम ऑर्डर में लगाते चले जाओ, ठीक है? तो ये मैं लगाऊंगा, दिस वन इज ए, शिफ्टिंग अलाउड है, आपको मालूम है शिफ्टिंग अलाउड होता है,
तो पहले मैं ए को शिफ्ट करके ले आऊंगा, हियर इट इज ए, ए के आगे से शिफ्ट करके बी लाऊंगा, बी लगा दूंगा, दिस इज बी, ठीक है, दिस इज बी, एंड बी के आगे हम लोग सी लगा देंगे, हाँ बी के आगे सी लगा देंगे, हियर इट इज, एक सेकेंड, दिस इज बी, लेकिन बी कुछ गड़बड़ बन गया, हाँ तुम्हें ऐड करना है, तो दिस वन इज बी, अच्छा फिर उसके आगे से आएगा सी, हाँ सी आ गया, दिस वन इज सी, ठीक है, फिर उसके आगे हम लगा देंगे दैट इज डी, ठीक है, दिस वन ये हो गया, दैट इज डी, तो मैंने क्या किया ना, ए ए के आगे बी लगा दिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तुम सी पहले ले सकते हो, बी बाद में ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ए बी सी एंड डी, तो ये इनकम्प्लीट पॉलीगॉन है, इनकम्प्लीट पॉलीगॉन है, तो इसको कंप्लीट कौन करेगा, इसका आंसर, इसको बोलेंगे रिमेनिंग साइड, देखो यहां पे लिखा है ना मैंने रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड का मतलब जो बचा हुआ साइड है, दैट वन, तो ये सेम ऑर्डर में आंसर जो होगा ना, वो रिमेनिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, इसके टेल से उसके हेड की तरफ, अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, ये हो जाएगा जैसी, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंड डी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो ए बी सी डी को सेम ऑर्डर में लगा दो, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा, अब समझ में आया स्टेटमेंट, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर, कॉम्प्रेन दिस वन, पॉलीगॉन लॉ, सर कैन रिपीट, पॉलीगॉन लॉ में मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पॉलीगॉन लॉ में क्या है ना, तो मैं जितने भी वेक्टर ऐड करने, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी पहले ले लो, सबको वन बाय शिफ्ट करते जाओ और एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगाते चले जाओ, सब लाइन में लग गए, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तुमको मालूम है शिफ्टिंग करते समय, तो ये पॉलीगॉन इनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीट कौन करेगा, इसका आंसर, लेकिन आंसर कैसे आएगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगॉन, इज इट क्लियर, तो जस्ट कॉपी कर लो, थोड़ा और समझाते हैं इसके बारे में, पहले पॉलीगॉन लॉ कंप्लीट कर लीजिए, राइट इन द स्टेटमेंट फर्स्ट, फिगर में दो दो बार सी हुआ, अच्छा एक सेकंड, हाँ उसको डी कर दो, सर यस, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए सर, ग्राफिकली, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड का मीनिंग क्या है, ग्राफिकली मतलब ड्राइंग, ड्राइंग से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ड्राइंग, ये क्या हो रही है, ड्राइंग हो रही है ना, हाँ मतलब ग्राफिकली मतलब आप ड्राइंग के थ्रू कर रहे हैं, ड्राइंग वर्ड यूज नहीं करते, ग्राफिकली वर्ड यूज कर लेते हैं सर, ऊपर yes. ना, हाँ ओके, अपन आप ए बी सी डी कैसे भी लगा सकते हैं अपन, कैसे भी मैटर नहीं करता, तुम चाहो तो पहले सी ले लो फिर बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लो सपोज तुमको क्या लेना है पहले वही कर लेते हैं, तुम कुछ भी ले लो, सपोज मैं सी बी ए डी कर देता हूँ, आंसर सेम आएगा बेटा, करके देख लो, चाहे तुम शिफ्ट करो पैरेलल लगाओ, आंसर गेट द सेम,
लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करना शिफ्ट करते समय। सर हाँ बोलो। सर अगर ऑर्डर चेंज किया और रिजल्टेंट में भी मतलब जो ऑर्डर हमने लगाया उस हिसाब से लिखना है या नहीं, ABCDE ऑर्डर लगाया और ABCD लिखा नहीं, नहीं बेटा कुछ भी ऑर्डर लगा लो। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो पहले किसको लाता हूँ कुछ और कर देता हूँ, कौन सा ऑर्डर ले लेते हैं बताओ तुम, वही आ जाएगा। मैं पहले चलो मैं पहले बी ले लेता हूँ, पहले मैं बी ले लेता हूँ ठीक है, फिर मैं ए ले लेता हूँ, बी के बाद मैं ए ले लेता हूँ, बी के बाद ए आ गया ठीक है, ए के बाद नहीं हाँ बी देन ए, फिर मैं सी ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम डी ले लो फिर सी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। ठीक है मैं पहले सी ले लेता हूँ, फिर सी किधर जाएगा, सी विल गो दैट साइड, सी विल गो दैट साइड, हाँ सी इधर जाएगा, देन इसके आगे से मैं डी ले लूंगा, इसके आगे से मैं डी ले लेता हूँ, जस्ट वेट इधर आएगा, इधर आएगा, जस्ट ठीक से थोड़ा बना लेना, ए बी सी एंड डी, आप देखो आंसर सेम आएगा, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, दैट आर इज इक्वल टू, ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, कोई भी पहले ले दो क्या फर्क पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबको लिख दो, यू गेट द सेम आंसर। तो वही मैं कह रहा हूँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी पहले लगा दे तुमको वही आंसर मिलेगा, आप करके देख लो शायद। आर यू गुड इवनिंग सिंह, सबको समझ में आया ना ये बात कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो कुछ भी लगाओ गेट द सेम आंसर, और लिखते समय भी फर्क नहीं पड़ता ना, तुम चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो आंसर सेम आएगा। Got it? अच्छा Once you completed, ये वाला ऊपर वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, जरूरत नहीं नीचे वाले डायग्राम, जरूरत नहीं, नो इसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत सर। हाँ बच्चा बोलो। लेकिन वो पॉलीगॉन नहीं ना बनेगा नीचे वाला, मतलब पॉलीगॉन बोल सकते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, पॉलीगॉन मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि जिसके बहुत सारे साइड्स हैं, कोई क्लोज स्ट्रक्चर है इसके बहुत सारे साइड है उसको पॉलीगॉन बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगा ठीक है राइट, कि वो ट्रायंगल या फिर हेक्सागॉन या फिर स्क्वायर वैसा नहीं बन रहा है, बट पॉलीगॉन आप बोल सकते हैं अगर बहुत सारे साइड्स हैं, अगर क्लोज हैं तो उसको पॉलीगॉन जैसा बोल सकते हैं। हाँ यू आर राइट कि वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगा, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगा, इज इट क्लियर? ओके नाउ एक लास्ट थिंग, लेकिन अगर सपोज कर लो मैंने तुमको, सपोज मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, ये एड थ्री वेक्टर्स, मैं तो ये कंप्लीट कर लिया, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन, अगर मैंने तो होमवर्क दिया जैसे, सॉरी मैंने तो क्वेश्चन दिया कि देयर आर थ्री फोर्सेस एफ वन, थ्री फोर्सेस हैं, दीज आर थ्री फोर्सेस एंड एफ टू, ठीक है ये एफ टू है, ओके दिस इज एफ टू and one last force that is F3, add these three, इनको add करना। आपने बोला कोई क्या ठीक है कोई नई बात नहीं है, मैं क्या करता हूँ सेम ऑर्डर में लगा देता हूँ और पॉलीगॉन लॉ यूज कर लूंगा और मैं ऐड कर दूंगा इनको ठीक है। सो आपने क्या किया, पहले ए
आपने शिफ्ट करना स्टार्ट किया तीनों फोर्सेस को, वो F1 F2 F3 फोर्सेस हैं। तो पहले आपने F1 लेके आया, ठीक है F1 ले आया, शिफ्टिंग अलाउड होता है ये बात मालूम है, शिफ्टिंग अलाउड है, तो दिस इज F1, ठीक है ये F1 हो गया। F1 के आगे से आपने F2 लगा दिया, ठीक है मैं F2 लगा देता हूँ इसके आगे से, F1 के आगे से F2 लगा देता हूँ, ठीक है F1 के आगे से F2 इधर लगा दिया जैसे, ये हो गया F2। फिर आपने सोचा मैं F3 लगा देता हूँ, F3 उसके आगे से लगाना स्टार्ट किया, अल्टीमेटली वो तो क्लोज हो गया, दैट गेट क्लोज। आपने जब F3 लगाया तो वो, एक मिनट को मैं बताता हूँ, आपने जब F3 लगाया तो अल्टीमेटली वो जो है ना, जस्ट वेट, आपने F3 लगाया तो वो क्लोज हो गया। अब आप कहेंगे सर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आपने तो बोला था कि पॉलीगॉन लॉ यूज करना और 1/1 लगा देना और वो बन जाएगा, और जब इनकम्प्लीट होगा तो तुमने ध्यान नहीं दिया, इसको कंप्लीट कौन करता है, रिजल्टेंट। अगर वो इनकम्प्लीट होता है तो कंप्लीट कौन करता है, रिजल्टेंट। अब यहाँ पे तो ये अपने से कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे कोई जगह है क्या रिजल्टेंट के लिए, नहीं तो अपने से बन गया पॉलीगॉन। रिजल्टेंट क्या है ना, पॉलीगॉन को कंप्लीट करता है, क्योंकि पॉलीगॉन इनकम्प्लीट होता है तो जो आंसर होता है वो पॉलीगॉन को कंप्लीट करता है, लेकिन यहां तो वो अपने आप ही कंप्लीट हो गया, तो यहां पे फिर कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, जीरो, नल वेक्टर जीरो। क्यों आया समझ में आया ना, अगर पॉलीगॉन अपने से कंप्लीट हो गया तो फिर रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, मतलब रिजल्टेंट जो है ना पॉलीगॉन को कंप्लीट करता है, पॉलीगॉन हमेशा इनकम्प्लीट होता है, उसको कंप्लीट कौन करेगा, रिजल्टेंट, रिजल्ट आंसर। लेकिन पॉलीगॉन अगर इटसेल्फ अपने से कंप्लीट हो गया, यू विल नॉट गेट एनी आंसर, तो आंसर नहीं मिलेगा। तो पॉलीगॉन लॉज यूज करते समय याद रखना, आंसर आंसर यू विल गेट ओनली वन कंडीशन, आंसर तुमको सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब पॉलीगॉन क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो उसको कंप्लीट कौन करेगा, उसका आंसर उसको कंप्लीट कर देगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। लेकिन अगर पॉलीगॉन इटसेल्फ अपने से कंप्लीट हो गया तो देयर इज नो स्पेस फॉर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के लिए तो कोई स्पेस बचा ही नहीं फिर, तो नॉट गेट एनी आंसर, तो हियर आंसर विल बी जीरो। ये बात समझ में आई तुम्हें, तो आगे से ध्यान रखना कि जब भी तुम पॉलीगॉन लॉ यूज करोगे तुमको आंसर तभी मिलेगा जब रिजल्टेंट इनकम्प्लीट होगा, सॉरी जब पॉलीगॉन इनकम्प्लीट होगा तो उसको कंप्लीट करता है उसका रिजल्टेंट, लेकिन अगर पॉलीगॉन अपने से कंप्लीट हो गया तो तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा। एवरीबडी गॉट दिस आइडिया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा एक काम करेंगे क्या, एक मिनट से कम हो गया है, आप लोगों को लिंक भी चेंज करना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए और लिंक चेंज कर लीजिए, फिर से बताइए ना लिंक बदलना। अच्छा ठीक, एक काम करो लिंक चेंज करो, जस्ट चेंज द लिंक, कम टू द सेकंड लिंक एवरीवन, सेकंड लिंक पे आ जाओ सब लोग।